पिछले पांच साल में नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को एक बार फिर गरीबी में गिरा दिया। किसी ने पता नहीं बनाया। अच्छा पहले कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, क्या मुझे प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ, मुझे आप लोग चौकीदार बना दो। आज शाम को जब आप घर जाओगे ट्रैफिक लाइट पे आप रुकोगे, आपके साइड में कोई आपके साइड में कोई स्कूटर वाला होगा मोटरसाइकिल वाला होगा, आप सिर्फ ये शब्द बोलो चौकीदार। चोर जैसे आप हिंदुस्तान में आज जैसे आप चौकीदार बोलते हो एकदम जवाब मिलता है चोर। अब पांच साल हो गए चौकीदार साहब ने चौकीदारी की, किसकी चौकीदारी की? अनिल अंबानी की। राफेल की फाइल चोरी करवा दी चौकीदार, राफेल की फाइल चोरी हो गई मगर अनिल अंबानी के हवाले 30,000 करोड़ रुपए कर दिए चौकीदार ने। हवाई जहाज को हिंदुस्तान में बनना था, लाखों युवाओं को रोजगार मिला था, 526 करोड़ का एक हवाई जहाज था, नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। फ्रांस के राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे साफ बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट तो अनिल को जाएगा, अनिल भाई को जाएगा। अच्छा ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी का आपने भाषण सुना तो भाषण में जब वो जनता से बात करते हैं आपसे बात करते हैं तो फिर आपको वो कहते हैं मित्र, आपको मित्र कहते हैं तो उन्हें मोदी को भाई क्यों कहते हैं? नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, मैं आपकी मदद करूंगा, नई बीमा योजना दूंगा, भाषण में बोला। उसके बाद हिंदुस्तान को 19-15 लोगों के बीच में बांट दिया, यह था डिस्ट्रिक्ट आपके, इसमें बीमा का बिजनेस अनिल भाई आपका, इसमें भैया अदानी जी आपका बिजनेस, बांट दिए। जम्मू कश्मीर को तो अनिल भाई को पूरा दे दिया, जम्मू कश्मीर में पूरा बीमा का पास काम अनिल भाई को दे दिया। अब आप का नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, काम कर ले ले। आंधी आती है, तूफान आता है, आपसे पैसा कलेक्ट किया जाता है, आपके बैंक अकाउंट से काटकर अनिल भाई को पैसा दिया जाता है, और जब आपका नुकसान होता है अनिल भाई कहते भाई हम तो आपका पैसा वापस पैसा नहीं। किसान दिन भर कर्जा माफी मांगता है, नरेंद्र मोदी ने 3,500 करोड़ रुपए 15 लोगों के बांट दिए, लोकसभा में उन्होंने सवाल का जवाब दिया। किसान कर्जा माफी मांगता है, अरुण जेटली जी कहते हैं हमारी पॉलिसी हम सब न्याय मांग रहे हैं, आप अगर उनका कर्जा माफ कर सकते हो तो फिर किसान का भी करो, अगर आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो तो फिर उनका करो। सही बात है ना? तो हम थोड़ा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, अगर उनका कर्जा माफ होगा तो उनका कर्जा माफ होगा, अगर उनका घर बनेगा तो उनका घर बनेगा, अगर उनके बच्चे कॉलेज जा पाएंगे तो उनके बच्चे कॉलेज जा पाएंगे, अगर उनके माता पिता हॉस्पिटल जाएंगे उनके माता पिता हॉस्पिटल जाएंगे। तो पूरा का पूरा काम नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी में आरएसएस के लोगों ने इन्हीं 15-20 लोगों के लिए किया है, और यह बदलाव हम लाना चाहते हैं, इसलिए हम न्याय योजना लाए, इसलिए हम गारंटी कर रहे हैं कि 20% हिंदुस्तान में सबसे
परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाली। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। 6,000 रुपए हर महीना। अब कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में हम सब बैठे थे, पीयूष गोयल जी ने बजट की अनाउंसमेंट की। मैं आपको कल बताना चाहता हूं, पीयूष गोयल जी ने बजट की अनाउंसमेंट की, मुझे बीजेपी के लोगों ने 8 मिनट मैंने खारगे जी से पूछा, तारीख बजाने क्या हो गया? खारगे जी मुझे कहते हैं देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किसानों को तुम का 3.5 रुपया दिया है, 3.5 रुपया किसान को दिन का। एक तरफ देखिए उनका 3.5 रुपया और दूसरी तरफ देखिए 72,000 रुपये। ये कांग्रेस में तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, भाई और बहनों, अब आपके पास हथियार है। मैं आपको 2-3 हथियारों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चौकीदार अनिल अंबानी भाई है, चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी भाई है भाई। तो भ्रष्टाचार तो छोड़ा ही नहीं नरेंद्र मोदी जी ने। अमित शाह का बेटा, अच्छा नोटबंदी में आपको लाइन में खड़ा किया, सब खड़े थे। आपको मालूम है कि नोटबंदी में अमित शाह के बैंक ने 700 करोड़ रुपया काला धन सफेद करके दिया है। आपको मालूम है कि अमित शाह के बेटे के पास 50,000 रुपये की बिजनेस थी, 3 महीने में 80 करोड़ रुपए बन गए उसके। चौकीदार, आपको मालूम है कि अरुण जेटली की बेटी को बैंक अकाउंट में मेहुल चौकसी ने पैसा दिया है। आपको मालूम है कि राजस्थान की एक चीफ मिनिस्टर को के बेटे को ललित मोदी ने करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिए। यह सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। डायरी निकली है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की डायरी निकली है, 150 करोड़ रुपए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने अरुण जेटली को दिए, 150 करोड़ रुपए राजनाथ सिंह को दिए, उनके सब नेताओं की नाम के नाम डायरी। ये चौकीदार जो है किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? पहला हथियार, दूसरा हथियार आपको मैंने दिया, टेबल हो ही नहीं रहा, 72,000 न्याय योजना। तीसरा हथियार आपको देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, छोटे दुकानदारों को खत्म किया। 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। और ये आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, इनकम टैक्स वाले जो आपको मतलब रिश्वत लेने आते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद युवा बिजनेस चलाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया में युवा बिजनेस चलाना चाहता है तो पहले हेलो एक डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से जाकर परमिशन लेनी पड़ती है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में रिश्वत लेनी पड़ती है। तो हमने युवाओं के लिए अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, जो भी हरियाणा का युवा, हिंदुस्तान का युवा, छोटा बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको 3 साल के लिए सब परमिशन से छूट। वेरी गुड, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, अपना बिजनेस चालू करें, 3 साल बाद देखेंगे। तो ये हम आप सबके लिए करना चाहते हैं। अब आप जाइए, अब आप जाइए, अच्छा किसान करता की मैं बात करता हूं। सुनो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, चुनाव कैंपेन में
उत्साहित नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों ने कहा पैसे माफ करने के लिए पैसा नहीं है। जैसे आज वो कह रहे हैं कि न्याय योजना के लिए पैसा नहीं है। मैंने वहां स्टेट से कहा कि देखिए आसमान फट जाए कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अमीरों का कर्जा माफ कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करिए। मैंने वहां बोला नहीं सुनो सुनो मैं नहीं सुनो। मैंने कहा देखिए मेरी बात मत मानो, चुनाव को खत्म होने दो, कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनने दो, उसके बाद आप 10 दिन मिलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में कर रहा हूं। और मैं खुशी से आपको कह रहा हूं 10 दिन निकले 2 दिन लगे, 2 दिन में हो गया काम। तो मेन बात आपसे कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरकार आज सिर्फ 15-20 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो जो उन्होंने इन 15 लोगों के लिए किया, जो इन लोगों 15 लोगों के लिए किया वो हम किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए करेंगे। राहुल गांधी राहुल गांधी विचारधारा भी लड़ी है, एक तरफ नफरत, एक तरफ क्रोध, एक तरफ बंटवारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। हम जोड़ने का काम करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। और आप सब भाईचारे प्यार की सेना हो तो आप सबको हरियाणा में हर घर में जाना है, शहरों में गांव में, और लोगों को बताना है कि कांग्रेस पार्टी को बताइए कांग्रेस पार्टी की सरकार दोनों बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी को